अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ते माड़े नाल मेरे भाई मुन्ना भाई, मुन्ना भाई ते उना सा इने की राह दसने। वालेकुम सलाम, कुतो किस हाल हो जी? डर साहब रोड ही बंद की है जी, ड्यूटी जाना सा पया। अच्छा रोड ही बंद है, हुन मैं कुसों को लाया कोई ने माई करो। चलो जी, मैं हुन जुलिया मुन्ने भाई की तुदा शार्ट आड़े नु पार फोन डालने हां, इने की भेजने हां। बाकी मैं आया सा दोस्तों धरने जो रोटी खाना चाहिए, पेट पूजा कम दूजा, पहला पेट फिर सारा कुछ। असा जुले हम बुन भाई तेरे नाल संगी दसने वाम बेचारी कितनी खसाल है भाई। ठीक है, ते उपर आया सा रोटी रोटी खाई तो हम वापस जुले हैं, कुतू लैन लगी है इन्हें मुन्ने भाई की भी भेसा जी क्या करा जी, गरीब ये भी ड्यूटी पर जा सर हूँ बह करो ये तक बड़ी तकड़ी लैन लगी है राह बंधन। जे लोग पैदल कोई गड़िया पर बड़े प्यारे जी ने दोस्त भी मिलिए राज शाह इन क्या हिसाब का किताब क्या बननी है मिर्जा जी, क्या रोला जी, क्या परेशानी अपने भूख बाहर निकली है, सड़क निकली है। अच्छा तबादले होने इसलिए रोकथाम निकली है। ठीक हो गया, ठीक है जनाब भाई, सड़क वाकई कोई नहीं साढ़े पुरगाले तो क्या जो इन्हें कस्सियां तुरने। अच्छा चलो ठीक हो गया। चाचा तुम क्या बने हो? ये भी है जी, मैं भाई डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब ने बाएं बाएं जितनी रोड़ा तबाह हुई भाई, थैली आली रोड बनी है उसने पिछू जनाब नादरा दफ्तर को छोड़ी है जी जी, उस तो अगर जबरू अगर पुरगाले तक छोड़ी है। ठीक हो गया, सेंटर चू पक्की करी है इसका क्या फायदा? ठीक है जी, महंगी महंगी त्रुटी गई खंडर बनी गई कोई हालात नहीं, जब तक रोड ना मरम्मत हो सर ना बन सर जब तक कोई इतजाज खत्म नहीं हो, कोई रोड नहीं खुल लगी। ए वामनी राया जी, बड़ी लंबी कतार लगी हुई है गड़िया नी, तो तको क्या बननी है उन्होंने सामने भाई और क्या जुले इतों को जंप माई दा ओखे इन्हें टली दा हाँ हूँ क्या बनना है चाचा ने बड़े हालात खराब बन जी मुल्ख ने तक हूँ क्या करे। असने भरा बड़े चंगे जी ने ये भी बेचारे खस्ता हाल हो मुलाजम असरात जे असने पास सारे दोस्त बड़े परेशानी टेंशन हूँ क्या करा जी मुन्ना भाई, मैं हूँ लगा ला जुला तुम जाए कर भाई अगर अगर जुला जाए थे अगर और रहा पता लग सी पुलिस वाले बंदे वैसे लोड़ी नहीं आखो था मैं अगर जुला जे जगह पहुंची जाने जिथे ए अल्लाह ने वाला है हूँ जनाब आवाम एहतजाज तू शामिल हो वापस जा रही है तक आई रही है आवाम तुस तको ए जुले पंडाल वाली तरफ। हाँ जी ठीक है कम आज छुट्टी पर है आला 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 बिल्कुल हूँ जुले जी ट्रक नहीं बड़ी लंबी लैन लगी है, ट्रक डोलिया चू नहीं ना जाई सकने रोला ये है ना, बाकी मोटरसाइकिल शाइकिल डोलिया चू लगे ही जाने तो ट्रक डोलिया च नहीं जाने, तो अस हूँ पंपे पर फिर हाँ क्या मामलात ना आवाम क्या जनिया लेडीज भी बेचारी हैं प्या दलों बोले असने भी बड़ा बंदोबस्त किया गया, बाकी मोह शराकत लम्बे पे बेन था ये पंपे की लग डोन होया वा इस तरह शिट डोना पंपे ने मामा सा मामा शराकत बैठे इन्हें की पूछने क्या हालात है साइड पर किए बैठे हो क्या वजह, मैं तो पहला रोटी शोटी खाई था आया मैं कोई पता नहीं भुखे कश पे जी। अच्छा बिरयानी से अस्सलाम वालेकुम मामा शराकत, कुदर लुकी जा बैठे हो जी? ठीक हो तुस डीकने हो मैं फिर जुले फिर अगे पता करी जाए शाह जी सवेरे ने मैं भी सवेरे इतने इसने हूँ रोटी खान गया मैं पेट पूछ गरीब लोगों से जाज हो जाए मोटे लोग उठे हैं जो सारे गरीब हैं तो क्या ये गल हम सोचे मोटे लिखने को नहीं है तो शाह जी मोटे लिखने को नहीं तो गरीब आता है इतजाज आकब क्या ले आकब तू भी इतजाज जाए खुद अच्छा अच्छा फराते हैं। चलो जी मैं हूँ चुलिया माँ मैं पर आकब पूछ जनाब लंबी कतार
ट्रक श्रक खलते हुए हम जुलने धरने आली जगह जिथे उन्होंने धरना दिता वा ऐ तकी ना पत फैल पत फैल मोडे पर ही रखे पर क्या गल है क्या हाल है जनाब गड़िया को इतो मुड़ी मुड़ी जानिया असा भी जुले इतजाज आली जगह सब्जी आला ठीक है इतने अज को अंब शंब लोग खासन सेब शेब खासन सेहत ना खास करी ख्याल रखसन मोटरसाइकिल जनाब लंबी कती है बाकी लगे हुए जनाब अगे तक अगे सौंड लगे आ सौंड मैं बिजना लाना होना लगा मैं इतने लैफ्ट मारना अगे अगर गप उसी फिर शुरू करने हैं दोस्तों तकरीर जारी है जी पंडाल आवाम अच्छी जानी है बहुत दूर है तक तू बहने मारे अस भी अंदरों कवर नहीं करने बैठे हुए जनाब तकरीर जारी हूँ तब अगर यह बननी है इस तरह कोई इन्होंने मुस्कुराहट होने या नहीं होने जुलो जी पंडाल ही थोड़ा चौकड़ माड़ी जल्द बैठे होना कि दस क्या बनना काम बैठे लोग धरना दे हूँ रोड पक्की करी दे क्या बनना है रोड पक्की कराई दे छोड़ सें मोबिन पे गड्डी कुछ कुछ गड्डी हाँ जी बड़े बड़े ड्राइवर भाई थे ज्यादा आए जी उन्होंने बड़ी मुश्किल होनी है पहिया जाम होना क्या देने टायर फटी जाने पक्की देने टायर ले जाने ढाई लाख की जोड़ी है मेरा ड्राइवर आज बड़ा आज पहिया जाम इसकी आने पहिया जाम इसे की आने पहिया जाम ये मोटरसाइकिल टायर खराब रेड़ी जाने टायर गड़ियाँ ठीक है पहिया ही जाने लोगों ही पता है कौन है मोबीन की पता है दोस्तों मोबीन से की पाना पे है लोग बैठे हैं मजा हो सका ब्रेनी देगा इसी लगी दसी है दसी है इसरार इतों बंद आवाम टकी भी है खलती भी है तकड़ी है हूँ इस लम्बे पाने अपने मसेर होने राजे तालपुरों की मसेर जी तुम्हारी सेहत का मिगी बड़ा ख्याल है क्या गल है तुम्हें सेहत अपनी प्यारी है नहीं प्यारी सेहत तो केड़े बंदे की जड़ा तो नहीं प्यारी अच्छा सेहत असा की भी प्यारी है मगर असानी जिम्मेदारी है अच्छा इस सारे इवेंट की कवर करना तो जाहिर है कि फिर असा अपनी जिम्मेदारियां पहले तकने हैं सेहत की बाद ही रखने छावा खलो ये ना मैं थोड़ी देर बाद जिम्मेदारी तुसा की जनाब कोली बजाई हो आदा मैं इस गलो आखना है अल्लाह की मर्जी है सेहत अल्लाह नहीं देन है अच्छा असा आवाम नहीं आवाज बनने हैं ठीक हुई है फिर जिस वक्त असा आज आवाम नहीं आवाज ना बनसा तो फिर कदू बनसा माशाल्लाह जी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी मसेर जी इन्हें कि नाल दस्या भी आना है ना मसेर और माड़ी देर थोड़ी देर बाद कम इन्होंने खराब होया वै आवाम ही आवाम जनाब बहना उठना लमने नाल यह तक सकने हाय 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 राज जी क्या हाल है बड़े दूर खलते हो नहीं नहीं लम्बे पे रहे को अपने घर खट्टा बसा नाल वाइट हाउस तैयार होना पता है ना ये इतने क्या इतने और होने का भी नहीं जोड़ दे रहे जी जी ओह पत्रिया छावा थोड़ी सेहत भी मैं बड़ी कमजोर दिसनी है क्या गल है जी जी राय मैं आई हाँ क्या गल आई सारे छतरी छतरी पे नहीं नहीं मैं आया मैं रोटी खान गया जी पहला पेट पूजा राय जी का आज नहीं कम दूजा ये दसो आज ना क्या अगला लाए अंबल है हूँ कोई कितनी देर तक कोई तबेदार हो अच्छा
नहीं आया आए ना आए ना आने जे कोई बेदा गप शप नहीं नहीं बाकी इंतजामिया ना बंदे भी जनाब असल ओ जे गलबात होसी जड़ी गल अच्छा मसला क्या है जी जिसनी वजह तू इने धरना देते है एक गल है भाई डॉक्टर साहब रोड़ों ने लात को ठीक हुई या अब्दाली साहब जरा कम शुरू किया आया अच्छा फार्म के नो अच्छा माले बहु अच्छा तो वोट दियो तो सोहा कम मैंने इधर जी है राजी माड़ी गल सुनो कसम दा ना चाहो मगर जाओ जिस वोट रे के नाल ने उसने पहले कलमा पढ़ना नहीं नहीं बता दसो बड़ा सबूत अच्छा जे कलमा पढ़ता फिर दे सा तो माला बात फिर जो कोई कहना है ए जाती है जी है तो जाती है लेकिन क्या पता हां कलमा पढ़ी ता बंदा जो तू पता है ना फिर मुसलमान हो जाना है ए अका से और पक्का मुसलमान कराने पक्का करे दो दो बार पढ़ने ए राज साहब अंदर रिकॉर्ड गल की जाने जी असन जरे मिनिस्टर साहब नु आखने जी कलमा पढ़ो ता बैद हो अगे असन जरा कलमे पढ़े वे उन पर नहीं कोई यकीन नहीं रिया हुन कलमा पढ़ी इथे नौबत गेठी है चाचा क्या हाल है चाचा तू सा भी धरना जो मौजूद हो जी ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਣੇ ਹੋ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵਾਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਚਾਚੀ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂ ਮਤਾਲਬਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਜੀ ਚਾਚਾ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਕੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਤੱਕਣਾ ਆ ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਖਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਯਾ चाचा उस कोशिश नहीं की जात होना नहीं है बिल सस्ता होया आटा सस्ता होया बहुत मेहरबानी है कश्मीर चो जानी बिजली नहीं ये तो जानी है असर लीडर कोशिश नहीं की जे तुसा यार आटा भी सस्ता करो बिल सस्ता करो इन्हें काम बताया है क्या बचा नहीं ये आवाम कुर्बानी सारा पाकिस्तान बनिया तो कुर्बानियां तो पाया नहीं कुर्बानी दी इन्हें लीडर ने नहीं दी आवाम दी चाचा बड़ी प्यारियां गल्लां होईयां चाचा बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया बाकी छोड़सा बेगम रो तुसें मैं इसी चढ़ाई चाढ़ी छोड़सा ये उफरों अल्लाह ने वाला है ना कोई सुनसी अल्लाह का तकसीर है थोड़ी गल चलो ठीक हो गया इधर असने बड़े जने प्यारे दोस्त ये भी ड्यूटी दे रहे हैं बेचारे पहला परदेस ही होने मुड़ी इतने अच्छा रोड़ों ने चक्कर पे जाने क्या हाल है ठीक हो आई जनाब क्या हाल है कड़ा ये जी आवाम जी असें निकली है आकड़ी खाते नहीं 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 भी शर्माई है जी शर्मा अस आवाम शर्माया निकलो इंटरव्यू नहीं चलो अल पता है इन्हें की रहन दियो ये बेचारे परदेस कट रहे हैं मुड़ी इतने अच्छे हैं रोड़ों ने चक्कर ही भेजने रोड़ा खस्ता हाल बंदे खस्ता हाल आवाम खस्ता हाल इंतजामिया आई है हम रशका बनानी है पिछा क्या बनी राह खुला नहीं खुला तो बड़ी लंबी कतार है खान भाई क्या हाल है तुम्हारा किधर जा रहा है बात यह है ना हाँ कि जो भी मामला थे वो अपने तौर तरीके से होता ही आवाम को तकलीफ है ऐसा ये अभी आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि अभी बड़े लोगों के पास जाओ उधर बैठो क्या मामला है क्या नहीं है बड़ा सुनता नहीं है बड़ा किस लिए सुनेगा आप लोग एक एक कमेटी बनाओ उधर जाओ उधर बैठो उसको बोलो क्या मसला है भाई हमारा रोड क्यों नहीं बनाए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं इस बात का इत्तेफाक है लेकिन असल बात यह है ना इससे कुछ भी नहीं होता है चलो वक्त ये आवाम परेशान है ना ये पसीना निकल रहा है ना पसीना निकल रहा है ना लेकिन अभी आप इनके अंदर पसीना बहुत हो गया इनके अंदर से कम कर रहा है इनकी तो सेहत का ख्याल रखो अल्लाह करे खैर करे अमन पुरामन ये जगह पुरामन इलाका है आजाद कश्मीर पुरामन अभी बिजली सस्ती कराई है ना देखा है ना बिजली का आपके इलाके में क्या रेट है अभी अभी हमारे इलाके में 300 रुपए यूनिट है 14 रुपए कट हो गया ना इसके लिए कोई ये मसला पते क्या ये जो बजट था ना जो पीछे वाला स्कीम है ये वो रोड नहीं तैयार हो रही पाकिस्तान से नहीं मिल रहा है ना तो नहीं उधर से मिल रहा है उधर से मिल रहा है इधर से आगे नहीं लगा रही है ये वही मसला है जो आप कह रहे हैं ये बड़े नहीं खा रहे हैं बड़े खा रहे हैं मार्बल फैक्ट्री के अंदर कर रही है मौत है भाई मौत करी ये नहीं सर मौत किसने देखी है मौत किसने देखी है
ये अभी पेट जो है खाओ, लेकिन बाहर के अमन। हाँ चलो जी ठीक हो गया जी। खान साहब और राय इंडिया हम झूलने हैं पंडाल ही, अगे तकने हैं फिर कप लानी है। हूँ मैं रोटी खाधी भी है, टेंशन नहीं करो। निके नौजवान बैठे ने कुधर आए हो यरा, तुसा भी आए धरने पर है, रोड़ा खस्ता हाल न, रोड़ा खस्ता हाल बन जी। कोई नहीं ये भी ठंडे, और राय साहब क्या है जी, कोई नहीं ये भी नहीं बोलने। हाँ हाँ चलो आपे सही गल करो। ओ क्या गल जी, राय साहब तुसा दा सीधे हो जी, ए ए इधर ए की शर्माने जी, मी इस वाह अपना सुनाओ। नहीं जी जी मैं इन्हें क्या पूछी रहा, तुसा दसो तुसा कुधर है। अच्छा तुसा इन्हें शर्माने दसी छोड़ो, ए वाह नहीं बोलो, नहीं बहुत परेशान ने बोले इन्हें। अच्छा जी ये दसो अज जी आवाम गठी हुई है, ये कोई रोड़ा नहीं वजह गठी हुई है, जे वैसे शौक से तो बैठ लेने शौक ने सी ਜਿਹੜੇ ਵਕਤੇ ਘੁੰਮ ਚੱਲੇ ਆ ਬਈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਪਰਸ਼ਾਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਚਾਹ ਵਾਹ ਤੱਤਾਂ ਆਣੀ ਦਾ ਖਲਤੇ ਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਨਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜੀ ਆਪ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅਛਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜਾਂ ਮਰੂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਾਰਿਆਂ ਕੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਡੀਜੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਲੋੜ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਬਲਦੀ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਬੂਟ ਬੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਬੂਟ ਵਾਲੇ ਬੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਠਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਤਜਾਜ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੀ ਰਾਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਗੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੇ ਜਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ये जो सोए हुए हैं इनको बेदार करेंगे, और फिर खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते कि वो वक्त आए, लेकिन मैं यहाँ के इंतजामिया से भी यहाँ के घूमते नुमाइंदों से भी ये कह देना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने अपना कैमरा दुरुस्त ना किया, लोगों के मामला ठीक ना किए, तो ये दफातर के अंदर बैठे हुए लोग हैं जिनको यहाँ के वजीर मासूम अपने जाती जागीर और प्रॉपर्टी समझ बैठे हैं गलती से, तो वो यहाँ दफ्तर में नहीं बैठे, हमारे कारकुन उनको कान से पकड़ कर दफातर से निकाल देंगे, अगर वो लोगों के खिलाफ ये काम नहीं कर सकते तो दफ्तर में नहीं बैठेंगे, दफातर में बैठ कर वो अपने खजाने में हम बोझ नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। अब ये इंतजामिया जो है सुबह से हमारे रास्ते में एक हो चुके हैं, अभी रोड पे जो है इंतजामिया वो यहाँ पे दुकान पे तो हमारी जो बात हुई है तो एसी साहब और जिम्मेदार बैठे हैं वहाँ, हमारे चार पांच छह लोग जो मुजाकराती टीम है वो भी वहाँ बैठी, हमने अपने लोगों के मामला हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, और हमने ये कहा अगर आप छोटी देना चाहते हैं छोटी दे सकते हैं तो फिर हमसे बात करें, वरना जो है इस तरह की फजूल बातें जो है हम इस पे यकीन नहीं रखते। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा जी कि हम जो बात करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, और मुतलका लोगों से हमने उसकी अश्योरेंस ली है, और उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं। आपके जितने भी मामला है जब से जो है मुस्लिम लीग और राजा याजा खान ने इस इतजाजी काल के हवाले से हमारा फैसला हुआ, उस दिन से जो है दुरुस्त होना शुरू हो गया, और कुछ कुछ मनसूबे मनसूबा जात ऐसे हैं जैसे उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, बाकी रुके हुए मनसूबा जात एक टाइम फ्रेम है वो इसी साल जो है वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वो चिट्ठी जो है वो पहले मुस्लिम लीग नूर के दफ्तर में जाएगी, उसको जब मुस्लिम लीग अप्रूव करेगी उसके बाद जो है वो आगे भेजेंगे मुतलका जो है जितने भी उनके शुभ जात फिर यहाँ पर क्या के मामलात हैं, बरकियात के जितने भी हमारे मुजियाद हैं हल्का पांच के अंदर अच्छे के अंदर जहाँ 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 ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, जो सियासी रिश्वत के तौर पर ट्रांसफार्मर बांटे जा रहे हैं वो उन्होंने यकीन दिलाया है कि सियासी रिश्वत के तौर पर नहीं बल्कि जरूरत के मुताबिक जो है ट्रांसफार्मर देंगे, हमने 12 ट्रांसफार्मर की लिस्ट दी है जो उन्होंने 12 ट्रांसफार्मर
PDP में रखेंगे और इंशाल्लाह ताला वो हम देंगे। और उसके बाद जो है फिर जो आजकल जो ट्रांसफार्मर जल जाने वाला मामला है, जो एक बदमाशी जो है मचाई हुई है यहाँ लोगों ने एक उनके वो जल जाती है क्या कहते हैं उसको कवालों के यहाँ रेडियो में, जबकि महकमाना जो इंस्ट्रक्शन हैं वो महकमा जिम्मेदार है कि अगर कवाल जलती है तो वो फौरी तौर पर जो है वो ठीक करे। लेकिन यहाँ क्या है, गंगा उल्टी बह रही है और जहाँ लोगों से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, लोगों को हर रोज दलील अखबार किए जा रहे हैं और मजबूर किया जा रहा है। आप मिनिस्टर साहब से फोन करवाएं, एक्सिम साहब को या मुतलका बंदे को, आपके कवाल जो है डाल दी जाएगी। मैं कहता हूँ कि ये सियासी रिश्वत, सियासी करप्शन जो है ये इसके हम मुतामल नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग बागैरत लोगों की जमात है, मुस्लिम लीग के अंदर बागैरत जवान लोग मौजूद हैं, तो हम कहीं जो है किसी से झुक कर जो आपका राइट है वो नहीं देंगे। जो आपका राइट है वो आपकी तहलील पे मिलेगा। महकमा की जिम्मेदारी बनती है वो इसी बात की तनख्वाह लेते हैं, ये जो बिल अदा करते हैं ये इसीलिए देते हैं। जितने भी यहाँ लाइन के मामला हैं, ये ट्रांसफार्मर के मामला हैं, वो उसको वो देखें और ठीक करें। और इंशाल्लाह ताला जब तक ये बोझ आप लोगों के सरों से उतर नहीं जाता, नून नून बेटा आदि अपना चैन से नहीं बैठे। बाकी मामला रहेगा ये जो इलाका अमीर का मामला है डिस्कशन हुई है, जांच के साथ से ये बात ऊपर तक पहुंचेगी। यूनिवर्सिटी आस्था के अवसर के लिए जो जो गुस्सा के जो दाद रसी नहीं कर सकती है वो भी जो है ये इस एजेंडे का हिस्सा है, वो शर्त मुरतब होकर ऊपर हुकूमत को भेजेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए मुस्लिम लीग नोट जो है वो अपना फराग से वो अपना नया अमल मुरतब करेगी। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी मामला हमारे हुए मैं यकीन से कहता हूँ कि इंतजामिया ने जिस खलूस से के साथ हमसे वादे किए अलफल ने बात की है, मैं और मेरे साथी जो है इस पर मुतमईन है, चूंकि हमने बात की है अयाज साहब से, हमने इसका जिक्र किया है। अयाज साहब ने कहा कि आप अगर मुतमईन हैं ठीक, नहीं तो हम अपना ये एहतजाज धरने की सूरत में जारी रखेंगे और जब तक ये मामला ध्यान नहीं हो जाते उस वक्त तक हमारा ध्यान खत्म नहीं होगा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज का एहतजाज अगर हमारे मुज़ाकरात की रोशनी में शायद हमें यह फैसला करना पड़े, लेकिन ये एहतजाज कोई आखिरी एहतजाज नहीं है, ये शुरुआत है। हम देखते हैं कि वो जो टाइम फ्रेम देखते हैं उसके अंदर कितने हद तक वो कितने फिसाद इस पे जो काम करते हैं। अगर उन्होंने को बदमाशी करने की कोशिश की, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। फिर आज हमने ये सहूलत दी है, मरीज लोगों के लिए गाड़ियां बन रही हैं और बाकी जो मामला हैं एम्बुलेंस वगैरह ये सहूलत दी है। आइंदा जो अगर कोई तरह का मामला हुआ तो पूरा हल्का के अंदर जो है लिंक रोड उस पे भी कोई जो है वो साइकिल भी नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला, और दफातर का घेराव भी करेंगे। और मैं अजाज चाहता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग आपने बड़े सब्र का अमल का मुजाहरा किया और सब्र के साथ जो है आपने जिस इस्तेकामत के साथ आप खड़े रहे, जिस जज्बे के साथ खड़े रहे, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये तौर रखता हूँ आइंदा मुस्लिम लीग के इंतकाल पे, क्योंकि आपके जंग के लिए मुस्लिम लीग लड़ रही है अपने हक के लिए बगैर सोचे समझे जो है वो निकलेंगे। जो है खुर्शीद साहब की जो है इस्लामिया के साथ बात हुई है, इस हवाले से मुतमईन है, अगर मुतमईन है तो हाथ खड़े करके जो है ये बताएं कि आप मुतमईन हैं। अगर है तो ठीक है, देखे जो कमिटमेंट दी जा रही है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से रिटर्न हो,
ठीक है वो रिटर्न सारी गारंटी होगी। उसके बाद ये सियासत भी इधर है, मामला भी इधर है, लेकिन हमारी जो ज़ाती कोशिश काबिज थी कि ये मामला जो है क्योंकि लोगों के मसाइल के मुतलक है, इसलिए लोगों के मसाइल अगर मसाइल हल होते मेरे ख्याल से जो है हमें इस पे एतमाद करना चाहिए। अगर एक टाइम फ्रेम जो है उसके अंदर ये मामला हल नहीं होते तो फिर ये समझ लें कि जिस चीज का हमने आगाज किया है पता नहीं इसके इख्तिताम तक हमें और कितनी जो है मुश्किलें वो झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जितनी मुश्किलें हम झेलेंगे उतनी मुश्किलें ये हुकूमत भी झेलेगी। बहुत अच्छे तरीके से सारा प्रोग्राम मैनेज किया है। अभी आप बैठेंगे जाके इंतजामिया से बात करेंगे और उसके बाद जो है ये बात याद रखिए जितने आपके मसाइल हैं ये सब मसाइल हमारे नोटिस में हमने अपनी तरफ से कोशिश काबिज की है और मैं अल्लाह को ये बात कहता हूँ कि खासतौर ये जो चीज कई लोग बात के बाद सियासत तीसरा नीयत ये थी कि आपके मसाइल अब तक बार बार आ रहे हैं और कल हम आपके आगे जवाब दे कि हमने क्या किया। आज हमने दो तीन चीजें जो है वो यहाँ पे आके साबित कर, एक तो ये साबित कर दिया कि इस हुकूमत की कारकर्दगी और कारगुजारी से लोग मुतमईन नहीं है, दूसरी बात ये साबित कर दिया कि इस हुकूमत से हल्का क्रिटिक मुस्लिम लीग का तलक नहीं है और बाकी जो है इंशाल्लाह जो ये जिम्मेदारान जिम्मेदारी उठा रहे गारंटी दे रहे इन पे अगर अमल नहीं करेंगे तो इसके बाद जिस तरह खुर्शी साहब ने बात की है इसके बाद दफातर का घेराव पूरे हलके के अंदर भैया जहाँ हड़ताल हो या जिले के अंदर तमाम हलकों की तरफ से जो है वो हड़ताल की कॉल हो ये सब आपसे हम इस्तेमाल करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया और ये 5-10 मिनट के बाद जो है मुझे अपन नौ से हासिल किया जाए तो फिर ये रुकावटें हटा दें ताकि लोग सिस्टम शुरू हो सके। तो मैं आप सबका बेहद बहुत शुक्रिया राह खुली है जी। वो लोगों ने पुट से धक्के धक्के किस तरह फिर रहे किस तरह फिर रहे सारे एक दूसरे तू तावले सुने है राह खुली जाने है हड़ताल खत्म जी पहिया जाम पहिया फिर रहा हो एक साइड पर टोरो बस जी बस राम ना फिरो जी फिरो है खुली है जी पहिया जाम खुली जाने हूँ धक्के लोगों ने पुट से धक्के है नसो नासी चलो जी चलो चलो खुली है जी खुली आ रहा खुली आ रहा है जनाब भैया जान में खत्म हो गया जाते तो लगन पुल पर जाम हो गया जी लैन चलो जी छुट्टियाँ जी छुट्टी जी छुट्टी ना की भी छुट्टी ठीक है जी अल्लाह सुनने वाला हमें शौक हो हमारे भी बच्चे भी लोगों का कारोबार भी है हमें शौक हो लेकर के न आए और मजबूर अगर ये काम करेगा तो ये लोगों का रस्के कटाओ है रस्के लेकर और